सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, बड़ी खबर। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया। लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है, बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लैंड स्कैम मामले में लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अभिषेक भारती बने हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया है, पूरी जानकारी दें। कोई सूत्र नहीं, 100% मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिरासत में ले लिए गए हैं। मैं दावा कर रहा हूं आपको, 100% अंदर से बिल्कुल पुख्ता खबर है, हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, उनकी जो उनका जो कारकेड है, वो कारकेड भी जमा करवा लिया गया है। वो कारकेड हेडक्वार्टर पहुंच चुका है, हेडक्वार्टर में वो कारकेड जमा हो चुका है। कोई सूत्र वूत्र नहीं, एकदम दंके की चोट पर बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। जैसा कि आपने बताया अभिषेक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिरासत में ले लिए गए, उनके कारकेड को जमा कर दिया गया था, हेडक्वार्टर उनके कारकेड को भेज दिया गया था। लेकिन खबर जो है और सवाल जो ये है कि क्या राजभवन से सत्ता पक्ष के विधायकों को मिलने के लिए समय मिला है? क्योंकि अब सवाल सीधे राजभवन को लेकर खड़ा होता है, सीधे रुख अब राजभवन का लोग करेंगे। राजभवन से भी जेएनएम के विधायकों को, महागठबंधन के विधायकों को यूं कहिए कि मिलने का समय मिल गया है। 7:50 का वक्त है जो कि यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। 4 गाड़ियों को अंदर जाने का अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1 गाड़ी अंदर जाएगी। विधायकों से भरी हुई अपना समर्थन पत्र को राजभवन में राज्यपाल को सौंपेंगे। बस इतनी सी जानकारी अभी तक निकल करके सामने आ रही है, लेकिन ये चीज कन्फर्म है कि 7:50 का वक्त जो है वो मुकर्रर हो चुका है। जी, दल के नेता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, क्या कुछ भी निकल कर सामने आया? चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, क्या चारों में से किसी एक नाम पर मुहर लगी? और अगर लगी है तो वो नाम कौन सा होगा? इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि कल सफेद पेपर पर हस्ताक्षर कराया गया था। उस सफेद पेपर में विधायक दल के नेता के रूप में किसका नाम होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे बातें सामने आ रही है। हो सकता है कल्पना सोरेन हो, लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर के एक राय नहीं हो पा रही है। हालांकि विश्वम गुरु शिबू सोरेन की तरफ से भी इसमें कुछ हस्तक्षेप की बात सामने आ रही है, और ऐसा लगता है कि विश्वम गुरु शिबू सोरेन के हस्तक्षेप के बाद किसी तरीके का विरोध जो है वो नहीं सामने आएगा बसंत सोरेन और सीता सोरेन का। या फिर हो सकता है कि चंपई सोरेन जैसे नेता पर भी दांव खेल सकती है, जो कि पुराने जेएमएम के नेता है और एक ऐसे नेता है जो सोरेन परिवार के हमेशा से जो है सोरेन परिवार के प्रति ईमानदार रहे। तो देखना अब ये है कि क्या होता है आयुष, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना कि विधायक दल का नेता कौन बनेगा जल्दबाजी हो। जी अभिषेक, आप बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, लंबी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड को जमा करवा दिया गया था, हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड को जमा किया गया था। और लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, लैंड स्कैम मामले में दूसरी बार पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, बड़ी खबर। पहले खबर यह आ रही थी कि गवाह के तौर पर पूछताछ चल रही थी, लेकिन आज दिन भर की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिरासत में ले लिए गए हैं, बड़ी खबर। थोड़ी देर में यानी कि 7:50 में विधायक राजभवन पहुंचेंगे, और आपको बताते चलें कि लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, जल्द लौटेंगे।